आपके माध्यम से पूरा देश मध्य प्रदेश के व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए महाघोटाले से वाकिफ हुआ है। मैं आज कुछ उन सफेद सो कॉल्ड सफेद चेहरों पर प्रामाणिक तौर पर ताले लगाने जा रहा हूं जो आज तक ईमानदारी की शाल ओढ़कर अपनी बेगुनाही और ईमानदारी का सबूत झूठे तौर पर समाज के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि एसटीएफ के एडीजी सुधीर शाही साहब की ईमानदारी पर कांग्रेस पार्टी को कोई संदेह नहीं है। बेशक वे वास्तव में दो तरह के ईमानदार होते हैं, एक ईमानदार चोर जो सुपचारी करवाता है कि मैं ईमानदार हूं और वो होता है महाभ्रष्ट, मगर सुधीर शाही जी के मामले में जड़ता से कहना चाहूंगा कि वो निसंदेह एक ईमानदार अधिकारी है और वास्तव में ईमानदार अधिकारी है। व्यक्तिगत उन पर हमारा आरोप नहीं है। सरकार के नियंत्रण में चल रही एसटीएफ सरकारी हस्तक्षेप के बाद जो कार्रवाई कर रही है, हमारा आरोप उसकी संदिग्धता को लेकर है और उसे प्रमाणित करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दलालों, नौकरशाहों, राजनेताओं, मंत्रियों, चिकित्सा और शिक्षा माफियाओं का नेक्सस इस महाघोटाले का जिम्मेवार है। यदि एसटीएफ की कार्यवाही ईमानदारी पूर्ण होती तो क्या कारण है कि कानून अपना काम करेगा का ध्येय बार बार संबोधित करने वाले मुख्यमंत्री जी के पूर्व पीए प्रेम प्रसाद की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है जबकि एफआईआर में उनका नाम है? नंबर एक। नंबर दो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम पदाधिकारी जिनके रिमोट से प्रभात झा जो बार बार सुधीर शर्मा की सहयोगी होने की बात करते हैं, वे अभी तक एसटीएफ की पहुंच से दूर क्यों है? नंबर तीन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारी और मध्य प्रदेश की सरकार पर उनके मंत्रियों पर न केवल अपना रिमोट से नियंत्रण रखने वाले बल्कि मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों से करोड़ों रुपया लेने वाले सुरेश सोनी एसटीएफ की पहुंच से अब तक दूर क्यों है? नंबर तीन, प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जिनके पीए राजेंद्र सिंह रघुवंशी का नाम एसटीएफ के रिकॉर्ड में दर्ज है और इसके साथ मैं एक बड़ी चीज और जोड़ रहा हूं, परिवहन निरीक्षक की जो एग्जाम हुई थी
उसने 19 नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी की सम्मानित धर्मपत्नी साधना सिंह जी का पियर यानी मुख्यमंत्री जी का ससुराल गोंदिया, उससे 19 लोगों का चयन हुआ है और गोंदिया के इस 19 लोगों का नाम जब आया तो वो नाम की जानकारी रखने वाले और देने वाले उस अधिकारी का स्थानांतर क्यों कर दिया गया? आईजी सोनाली मिश्रा के भाई भारत मिश्रा अभी तक एसटीएफ की पहुंच से दूर क्यों है? आईएएस अजीता वाजपेयी जी के पति अमित पांडे जी एसटीएफ की पहुंच से दूर क्यों है? आईएएस और आईपीएस जो इस महाघोटाले में शामिल हैं, उनमें एक नाम भोपाल संभाग के एडिशनल कमिश्नर केसी जैन के पुत्र डॉक्टर अनुराग जैन का है, जिसने पी मेडिकल बोर्ड की परीक्षा में 75 लाख रुपए देकर फर्जी दाखिला अर्जित किया था। उनका नाम एसटीएफ की जांच से लुप्त क्यों हो चुका है? अजय शंकर मेहता जिनकी गिरफ्तारी हुई, एक छोटे से छोटे व्यक्ति का एसटीएफ ने कोर्ट में पेश करने के बाद पीआर मांगा। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का भी 2 बार एसटीएफ ने पीआर मांगा, गिरफ्तारी के दिन और एक कल, मगर अजय शंकर मेहता को सीधे जेल कैसे भेज दिया गया? पीआर क्यों नहीं मांगा गया? एसटीएफ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट शपथ पत्र दिया है कि वर्ष 2008 तक का रिकॉर्ड नहीं है, जबकि नियम यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 10 वर्षों तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का रिकॉर्ड रखा जाता है और 20 वर्षों तक परीक्षा परिणाम रखे जाने का प्रावधान है और यही नियम व्यापम पर भी लागू है, मगर एसटीएफ ने साक्ष्य नष्ट कर देने के आरोप में दोषी बाहुबलियों के खिलाफ एफआईआर आज तक क्यों दर्ज नहीं की? इसके पश्चात एसटीएफ के प्रति जो अविश्वसनीयता सामने आई है, ये वृतांत उन प्रमाणों के लिए काफी है। अब मैं बात करना चाहूंगा, आप कृपापूर्वक एक मोबाइल नंबर लिखिए, यह मोबाइल नंबर है 9425365833। फिर से रिपीट करता हूं, 9425365833। यह मोबाइल बच्चों के मामा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के मामा फूल सिंह चौहान का है। फूल सिंह चौहान ये माननीय शिवराज सिंह जी के मामा है और ये मोबाइल मामा जी के बेटे संजय चौहान का है, जिनका पता 115 भोलेनाथ कॉलोनी टीला जमालपुरा भोपाल पिन कोड नंबर 462001। पिन कोड तक बता रहा हूं मैं आपको, पिन कोड है 462001। इस मोबाइल से नितिन महेंद्रा और पंकज त्रिवेदी को किस किस परीक्षार्थी को उत्तीर्ण करवाने के लिए फोन किए गए हैं एसटीएफ खुलासा करें।
फर्म फूल सिंह जी चौहान जो है, फूल सिंह चौहान, इनका बेटा संजय चौहान, मुख्यमंत्री जी के पिता श्री प्रेम सिंह जी चौहान और गणेश किरार, ये चारों लोग मिलकर कई ठेके लेते हैं। इनके व्यवसाय एक साथ संचालित हो रहे हैं ठेकों के। फूल सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के मामा श्री, बच्चों के मामा दूसरे। यह मोबाइल है फूल सिंह जी के पुत्र संजय सिंह चौहान के नाम पर। माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता और गणेश किरार, मुख्यमंत्री जी के पिताजी का नाम तो आपको मालूम होगा, नाना जी हैं अपने प्रेम सिंह जी चौहान। ये चारों लोग मिलकर ठेकेदारी करते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी का परिवार इनसे संलिप्त नहीं है। इस मोबाइल से कितने फोन व्यापन के जेल में गए और इन फोन की लोकेशन तब क्या थी, इनके कॉल डिटेल सार्वजनिक किए जाए। इसके पश्चात मैं राइटअप के साथ आपको एक सूची दे रहा हूं। उस सूची में जो नाम सामने आए हैं, जिनके डिटेल भी आपको और एसएमएस कॉल डिटेल भी आपको उसमें उपलब्ध है, उसमें सुरेश सोनी, सुधीर शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री जी और लक्ष्मीकांत जी शर्मा के धर्मगुरु उत्तम स्वामी जी का भी नाम है। सर सुरेश सोनी, सुधीर शर्मा, उत्तम स्वामी जी होगा। सुधीर शर्मा, लक्ष्मीकांत जी शर्मा, मुख्यमंत्री जी और सुरेश सोनी, इन चारों के आध्यात्मिक गुरु हैं उत्तम स्वामी जी। इनके कई फोटो इनके आश्रम पर मुख्यमंत्री जी के साथ, लक्ष्मीकांत जी के साथ, सुधीर शर्मा जी के साथ उपलब्ध है। और सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, जगदीश देवा जी की ओर से इन आध्यात्मिक गुरु के आश्रम के लिए करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपयों की सहायता पहुंचाई गई है। उन उत्तम स्वामी जी का नाम भी इन डिटेल में शामिल है। उसके बाद मंत्रियों के रूप में, अब आप कहेंगे कि मेरा टारगेट एक ही होता, मगर दुर्भाग्य कि हम दोनों की मोहब्बत बहुत है। मंत्रियों के रूप में मध्य प्रदेश के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम शामिल है, जिनके प्राइवेट नंबर से व्यापन के अधिकारियों को उनके एसएमएस भी इसमें शामिल है, आपको मैं दे रहा हूं मध्य की का। और एक एसएमएस में तो यह भी कहा गया है कि मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के घर पर ही हूं, जो पार्टी आई थी उसने कहा है, आप देखिएगा सारे मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, उन्हीं के बगल में बैठने वाली देश की काबीना मंत्री और गंगा की सफाई की जिम्मेवार उमा भारती जी ने भी करीब 12 से 15 लोगों के एडमिशन फर्जी तरीके से करवाए हैं। उसके अतिरिक्त इन्हीं नेक्सस में शामिल भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित नेता और हमारे मित्र विजेश लुनावत जी का भी नाम है। नौकरी एडमिशन सारी में सूची दे रहा हूं, और कौन कौन से प्रतियोगी कैसे पास हुए हैं, किस दलाल के माध्यम से हुए, तरण शर्मा के माध्यम से हुए, कि सुधीर शर्मा के माध्यम से हुए, कि शिवहरे के माध्यम से हुए, कि भरत मिश्रा के नाम से हुए, वो सारी सूची मैं आपको सौंप रहा हूं।
सर ये कोऑर्डिनेटर क्या व्यापम के अधिकारियों से बातचीत किए हैं जी? व्यापम के अधिकारियों से बातचीत किए हैं लोगों ने जी जी, और ये एसटीएफ के पास उपलब्ध है। इसके अलावा एसटीएफ ने एक सबसे बड़ी चूक की है और वह चूक सीधी तौर पर अपराधियों को लाभ पहुंचाने के लिए है, और वह चूक है कि यह एक महाघोटाला और महाभ्रष्टाचार है, और जिसे मैं नहीं कह रहा हूं, इसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। सरकार के निर्देश पर एसटीएफ ने जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की है, यह शायद आज तक मीडिया के माध्यम में भी संज्ञान में नहीं आया, वह गिरफ्तारी सामान्य धाराओं के तहत है। भ्रष्टाचार से जुड़े मसलों के लिए हमारे कानून में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(1)(b) का प्रावधान है, और इस धारा के अंतर्गत एसटीएफ को, चूंकि सीधा पैसों का लेनदेन भ्रष्टाचार के माध्यम से हुआ है, एसटीएफ ने इस पीसी एक्ट में आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज न कर सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। यदि पीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज होता तो सारे प्रकरण हर जिलों में विशेष न्यायालय के समक्ष जाते और वहां से आरोपियों की जमानत भी नहीं होती है, मगर एसटीएफ ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज ना कर सरकार के इशारे पर आरोपियों को मदद करने की कोशिश की है। इसके अलावा एसटीएफ ने अपनी ओर से कोई विवेचना नहीं की है। एसटीएफ जिन जिन आरोपियों को पकड़ रही है या पब्लिसिटी दे रही है, वह सिर्फ आरोपियों के बयान के आधार पर गिरफ्तारियां कर रही है। एसटीएफ ने उस पर कोई भी विवेचना नहीं की। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री एस के मिश्रा सहित जो चार्ट मैं आपको दे रहा हूं, इन लोगों की नितिन महेंद्रा और पंकज त्रिवेदी से कितनी बार बात हुई है, उनके कॉल डिटेल उजागर किए जाए। उस वक्त इन कॉल की लोकेशन क्या थी, यह सार्वजनिक की जाए तो मुख्यमंत्री निवास की संलिप्तता अपने आप सामने आ जाएगी। और अब सवाल पीएम की नैतिकता पर उठ रहा है कि मध्य प्रदेश, क्षमा चाहूंगा पीएम की बात करने के पहले, कि मध्य प्रदेश में एसटीएफ ने और डीजीपी ने उमा भारती जी को क्लीन चिट दी है कि उमा जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं उसमें उमा जी के करीब 12 से 15 नाम है। तो अब पीएम की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि क्या पीएम अपनी काबीना में गंगा की सफाई करवाने वाली पवित्र मंत्री को अपनी मंत्रिमंडल में कब तक रखेंगे, और अब तो यह चर्चा हो रही है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे पत्रकार भाइयों का हो, चाहे वो प्रशासनिक हो,
या अन्य क्षेत्र हो, उनमें एक ही बात चल रही है कि अब दाढ़ी पकड़ा गया है, साड़ी कब पकड़ाएगी। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि अभी दाढ़ी पकड़ाया है, साड़ी कब पकड़ाएगी, उसके लिए मैं स्टेप से आग्रह करना चाहता हूं कि वह अपनी निष्पक्षता को मध्य प्रदेश में कलंकित ना होने दे और इस महाघोटाले के तार से जुड़े उन तमाम लोगों को बेनकाब करे। और फिर मैं अपनी पुरजोर मांग कह रहा हूं कि परिवहन निरीक्षक परीक्षा की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री जी के ससुराल के 19 लोगों के नाम है, गोंदिया के, और शायद गोंदिया की जानकारी यदि सार्वजनिक हो जाएगी, एसके मिश्रा के कौन सार्वजनिक हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री निवास से वह कौन सी प्रभावी महिला है जिससे 139 करोड़ के माध्यम से नितिन महिंद्रा, पंकज त्रिवेदी, लक्ष्मीकांत जी से बात हुई है, यदि यह भी कॉल डिटेल उजागर हो जाएंगे तो मैं सोचता हूं कि सही मायने में देश प्रदेश की जनता विश्वास करेगी कि मध्य प्रदेश में कानून का कानून अपना काम कर रहा है।